हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसा फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और पिंपल्स को सिर्फ एक से दो दिन में जड़ से ख़त्म कर देगा। ये फेस मास्क और फेस पैक बहुत ही ज़्यादा असरदार है क्योंकि इसके अंदर वो सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि आपकी झाइयों, दाग धब्बों और पिम्पल्स की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये घरेलू नुस्खा आपके दाग धब्बे हटाने के साथ साथ आपके चेहरे या आपकी बॉडी पर कोई भी पुराना निशान है जो कि बहुत टाइम से जा नहीं रहा है उसको हटाने की भी क्षमता रखता है। ये सिर्फ कुछ ही दिनों के इस्तेमाल पुराने से पुराना निशान भी जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इस फेस मास्क के ये दो मेन इन्ग्रीडियंट है, पहला है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और दूसरा है नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर। और इन पाउडर को बनाना बहुत ही आसान है। आप नटमेग और सिनेमन यानी कि दालचीनी और जायफल को ले लीजिए और ग्राइंडर में पीस दीजिए बहुत अच्छे से, और तब तक पीसिए जब तक इसका पाउडर ना बन जाए। एंड दैट्स इट, आपका सिनेमन और नटमेग का पाउडर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इस मास्क को बनाते हैं। तो इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में आधा चम्मच नटमेग का पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर ले लीजिए। उसके बाद आपको इसके अंदर आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर डालना है। और आपको ये दोनों पाउडर बाजार में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप बाजार से लेकर इसको यूज कर सकते हैं। और अब लास्ट में इसमें एक बड़ा चम्मच शहद डालना है आपको और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका ये पेस्ट तैयार है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी थिक रहनी चाहिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पेस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो आप इस पेस्ट को अपनी उंगलियों की मदद से लगा सकते हैं और आपको ये पेस्ट सिर्फ वहीं पर लगाना है जहाँ पर आपको पिम्पल्स, झाइयाँ, दाग धब्बे या आपको कोई भी पुराना निशान है। आप इसको पूरी बॉडी या पूरे फेस पर ना लगाइए क्योंकि ये पेस्ट थोड़ा सा जलन करता है। और इस पेस्ट को लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मसाज कीजिए अपनी स्किन पर और इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धोकर अपने स्किन को पैड ड्राई कर लीजिए। ये पेस्ट बहुत ही ज्यादा असरदार है आपकी स्किन को क्लियर और स्पॉटलेस बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पेस्ट को लगाने के बाद आपको थोड़ी सी जलन होगी क्योंकि इस पेस्ट का नेचर ऐसा है, इसके अंदर नटमेग और सिनेमन है जो कि थोड़े गर्म होते हैं और उस वजह से आपके फेस पे थोड़ा सा जलन होगा, बट ज्यादा कुछ मेजर नहीं होगा। और अगर आपको ज्यादा ही जलन लगे तो आप इस पेस्ट को तुरंत ही रिमूव कर देना। और अगर आपकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये पेस्ट ट्राई ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।